आप सभी दर्शकों बहुत बहुत नमस्कार, मेरा नाम है मुकेश माही। लगातार जो एक विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र जो बाजार है, राजनीतिक बाजार जो है और राजनीति की जो गलियां हैं वो गर्माती जा रही हैं, क्योंकि आज नामांकन का अंतिम दिन था और बड़ा एक जो जोश रहा कार्यकर्ताओं में, सभी पार्टियों के कार्यकर्ताओं में, लेकिन उनसे जो ज़्यादा एक जो भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार है यहाँ से विनोद भेणा, उनके जो लगातार जो आयोजन चल रहे हैं, कहीं तूफानी जो जनसंपर्क अभियान जो चल रहे हैं, पूरे बाजार से शुरू हुए, बाजार की गली गलियों में से जब निकले और तो लोगों ने जो अपने दुकानों से बाहर निकल निकल के जो स्वागत किया, जो अभिवादन किया विधायक का, वो भी देखने लायक था। अभी हम पहुंचे हैं 11 वार्ड में और यहाँ पर भी जो एक फूलमालाओं के साथ जो है, वैसे फूलमालाओं का हर जगह जो है फूलमालाएँ पहनाकर विधायक का स्वागत हो रहा है। बात करेंगे यहाँ पर कि कैसा क्या माहौल, और लोगों से भी बात करेंगे कि आने वाली जो 5 अक्टूबर है उसमें जो राजनीति का जो ऊँट है वो किस करवट बैठने वाला है। वीडियो के अंत तक बने रहे। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पहुंच चुके हैं सदर बाजार में और एक पूरी की पूरी जो भीड़ है ये खड़ी है, गणमान्य लोग हैं, हाथों में गुलाब की पंखुड़ियां लिए हुए खड़े हैं, जो कहें कि पूरे वरिष्ठ जो लोग हैं। भाजी, क्या नाम आपका? मेरा नाम ईश्वर सिंह सोनी नाम है जी। सोनी साहब, किसके स्वागत के लिए खड़े हैं आप? ये बैठा जी के स्वागत के लिए खड़े हैं जी, और उनको जितवा के रहेंगे जी, तन मन धन से उनकी हम एक सब तैयार है एकदम। आज जो है 24 कैंडिडेटों ने आज अपने जो उम्मीदवार जो भरे हैं, नामांकन भरे हैं, आप बेणा साहब को क्यों जितवा रहे हो? वाह जी वाह, जो काम इन्होंने क्या रखा है वो कोई कर ही नहीं सकता। कैसा क्या, ऐसा क्या काम करते हैं? सारे काम रखे हैं, जैसे जैसे कोई एंट्री एंट्री जितनी बढ़िया है वो किसी पहले कभी हो ही नहीं एंट्री इतनी बढ़िया। जो गीता चौक की बात, गीता चौक भी है, घोड़ा चौक भी है, और ये जो ये अपने ये जो लगा रखे है, ये क्या इसका, ये क्रांति चौक बड़ा ये है, ये भी बड़ी बहुत बढ़िया है। तो सरकार ने पैसा दे दिया, लगा दिया, इसमें बेणा साहब का क्या है? वाह जी वाह, तो सारा जोर तो नहीं कहा, सारा जोर तो है ही नहीं कही, पूरा श्रेय आप इनको दे रहे हैं। बिल्कुल श्रेय दे रहे हैं जी, बिल्कुल। कहीं ना कहीं जो 5 अक्टूबर को जो चुनाव है उसमें इनका पलड़ा भारी रहने वाला है। बहुत ज्यादा पलड़ा रहेगा, भारी, बहुत ज्यादा पलड़ा भारी रहेगा। शहर के कई और चेहरे खड़े हैं, कम से कम 50,000 वोटों से जीतेंगे ये। 50,000 वोट? हाँ हाँ हाँ। एक और भाई साहब, भाई साहब क्या नाम है? विनोद कुमार जी। ये कह रहे हैं 50,000 वोटों से जीतेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, जहाँ खड़े हैं ना, ये 25 साल बाद रोड बनी है, ये बेणा साहब ने बनवाई है। बेणा साहब ने बनवाई? बिल्कुल, किसने ध्यान भी नहीं दिया कभी। अच्छा, पूरे शहर का विकास हुआ इसमें कोई तो राय नहीं है, जो भी विकास हुआ बयाना सामने करवाया, तन मन धन से हम उनके साथ हैं, इतने लोग खड़े हैं सब उनके साथ हैं, सब साथ हैं। और ये तो मान लो एक जो पूरा एक व्यस्तम बाजार है, जो पूरी क्रीम रहती है इस बाजार में, वो अगर क्योंकि वहाँ भी प्रोग्राम है, यहाँ भी प्रोग्राम है, आप कह रहे पूरे के सारे के साथ विनोद बेणा के साथ है सब? बिल्कुल साथ हैं जी, ऐसी कोई बात नहीं है जी। आप देखो पूरे शहर का, आप कहीं पता करो, हर बंदा उनके साथ जुड़ा हुआ है। ये नहीं कि हर बंदा वैसे जुड़ा हुआ है, उनके नेचर से भी सबके साथ चलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी तो देखो हर कैंडिडेट कहता है मैं जीत के सोचता हूँ जी, लेकिन जीत इनकी है, जीत इनकी कन्फर्म है जी। और विधायक आ रहे हैं, चुनाव भी आ चुके, कैसा एक माहौल कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया माहौल है भैया, और आप जैसे देख रहे हो शहर में जहाँ भी जा रहे हैं बहुत ज़्यादा भीड़, और प्यार इनका भेणा साहब का बहुत इनके साथ है, और आने वाला टाइम हमारे भावी मंत्री बनने जा रहे हैं हाँसी से, और हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। कहीं ना कहीं ये चर्चाएं चलती हैं कि विधायक ने काम उतने नहीं किए जितनी चर्चाएं हुई है। बहुत काम किए हैं भाई साहब, जिसने जिसको बोलना है वो तो बोलेगा ही, नहीं जितने काम इन्होंने किए आज तक हमने हाँसी में इतने काम भी नहीं देखे। इस बार जीत जो है निश्चित, 100 की 100 जीत है, 100 की 100। ये देखिए जो विधायक तार ले गए थे, तार ले गए थे, देशराज नाम है। देशराज जी, कहीं ना कहीं अब जो पूरे हरियाणा में जो है चुनाव है 5 अक्टूबर को, क्या कुछ माहौल रह सकता है? माहौल बीजेपी आएगी बाबू जी, एक तरफा सरकार बनाएगी, बयाना साहब जीतेंगे अच्छे वोटों से। अच्छा हाँ जी, लेकिन जो कांग्रेस वाले भी बड़ा जो जोर लगा रहे हैं, बोले कि सरकार हम बना रहे हैं इस बार, तो चलो पार्टी का काम हो तो, हाँ जी सभी बोलते हैं, लेकिन बीजेपी सरकार बनाएगी बहुत अच्छी। बीजेपी की आपसे अगर एक खास बात पूछूं, क्यों आएगी बीजेपी? बीजेपी का राज में बहुत बढ़िया कंट्रोल चल रहा है जी, गुंडागर्दी पे, विकास पे बहुत बढ़िया काम हो रहे हैं। अच्छा हाँ, बहुत अच्छा काम हो रहा है, बिना खर्ची पर्ची का जिक्र करती है, बिना खर्चा बिना पर्ची, गरीब आदमी बहुत लगे हैं। अगर हाँसी हल्के की बात करें तो हाँसी हल्का में बयाना साहब जिंदाबाद है, बहुत विकास होया है, बहुत 44 लोग खड़े थे कांग्रेस के जो टिकट के चाहवान जो है वो सारे के सारे बयाना साहब की बुराइयां कर रहे थे। हाँ
चलो उनका काम है, लेकिन एक सब प्रभारी आपके सबसे 44 बंदे झूठ बोल रहे थे, एक आदमी सच्चा है, देख लो आप, जनता इनके साथ है। नहीं आपको क्या लग रहा है? जी हमने लग रहा है बयाना साहब बहुत अच्छे बढ़िया वोटों से जीतेंगे, जीतेंगे बहुत बढ़िया मार्जिन से, बहुत बढ़िया। राहुल मक्कड़ की आर्म बोल रहे हो? हाँ राहुल मक्कड़ साफ है, बयाना साहब भी शहर के हैं, राहुल मक्कड़ भी शहर का ही है। वो बच्चा है जी, वो बेचारा, उन्हें क्या पता राजनीति का, इनको पता है। और ये तो बड़े अनुभव आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी है। तो आपके हिसाब से 8 अक्टूबर का जो रिजल्ट का दिन है वो बीजेपी के पक्ष में? बिल्कुल 100% 110% जी। आपने बीजेपी की खास बात बताई, बयाना साहब की खास बात क्या? क्या बात है, बयाना साहब जनता से मिलकर चले। अच्छा हाँ, आधी रात में 12 बजे चले जाए तो भी दरवाजे खुले हैं। चुनाव के टाइम में चले पूरे 5 साल? नहीं, पूरे 5 साल, पूरे 5 साल। अच्छा, कितना विकास होया शहर में, विकास लगता है आपको? और क्या क्या हुआ? सड़कें बनी, जल घर बनया, गलियां बनी, नालियां बनी, बहुत विकास होया जी। तो आपके हिसाब से इतना विकास हो गया कि जो 5 अक्टूबर को इनके हक में ज्यादा वोट जाएगा? दिक्कत नहीं लग रहा जी, सब ने दिक्कत लग रहा, पता नहीं विपक्षी बड़े नारे लगाऊ वाले जी, पानी भर गया सारा शहर में। बाबू जी ढलाने में तो पानी पहुँचेगा, चाहे अपनी छात पे हो, चाहे बाजार में हो, कहीं भी हो जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। विधायक विनोद भैणा 11 जो वार्ड है उसके अंदर पहुंच चुके हैं, प्रवीण वाल्मीकि जो है साथ में और गणमान्य लोग जो है वो यहाँ मौजूद हैं। दरअसल क्या कि जो तूफानी जो जनसंपर्क अभियान जो है वो लगातार चल रहे हैं। विधायक जी आप जनसंपर्क अभियान कर रहे हो, उनके जो है और ही अभियान शुरू हो गया? सो उनके अभियान का तो मुझे नहीं पता क्या शुरू हुआ क्या शुरू नहीं हुआ, मगर मैं भारतीय जनता पार्टी के जनसंपर्क अभियान की बात करूँ तो हम निरंतर शहर के दौरे पे हैं। कल ठीक 9:30 बजे निकले थे और रात को 10 बजे फारिग हुए थे, आज भी उसी तरह से 9:30 बजे निकले थे और मुझे लगता है कि 10:30 बज जाएंगे फारिग होने तक। कल भी हमने 35 के करीब चाय पी थी और आज 35 से भी बढ़ के, मैं 35 का प्रोग्राम लेके निकले थे मगर बढ़ती चली गई तो 40 के करीब चाय पियेंगे। अभी मेरे ख्याल में मैं 35वीं चाय पर पहुँचा हूँ, 5 चाय और अभी बाकी हैं। चाय का मतलब तो यही होता है कि चाय के बहाने जनसंपर्क हो गया और जहाँ भी चाय पीने जाते हैं वहाँ कम से कम 50-100 गणमान्य व्यक्ति जी, वहाँ वो जिसके घर जाते हैं वो 50-100 गणमान्य व्यक्तियों को भी बुलाता है, उनसे इंट्रोडक्शन भी होती है, उनसे रूबरू भी होते हैं, फेस टू फेस भी होते हैं। और जब उनसे बात करता हूँ तो उनके मुँह से एक ही बात निकलती है कि हम तो भारतीय जनता पार्टी के कायल हैं, भारतीय जनता पार्टी के राज में हम सुखी हैं, लॉ एंड ऑर्डर बड़ा बहुत बढ़िया मेंटेन है, आज हर आदमी अपने जीवन को सुरक्षित महसूस कर रहा है। और जहाँ तक विकास की बात है आज पूरे प्रांत में समान विकास हो रहा है, हरियाणा एक, हरियाणवी एक, सबका साथ सबका विकास की तर्ज पर काम हो रहा है। आज बिना खर्ची बिना पर्ची नौकरी मिल रही है और मैं समझता हूँ कि अगर पिछली सरकारों से आज की सरकार की तुलना करें जी, तो आज की सरकार पिछली सरकारों से हर तरह से बेहतर है, चाहे वो विकास की बात हो। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि पहले क्या होता था, जिस जिले का मुख्यमंत्री होता था स्टेट का आधा बजट उसी जिले में चला जाता था और आधा पूरे हरियाणा में लगता था। अब जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है यहाँ कोई भेदभाव नहीं, कोई भतीजावाद नहीं, कोई इलाकावाद नहीं, कोई जातिवाद नहीं, सारा का सारा काम मेरिट पर हो रहा है। आज घर बैठे पीले राशन कार्ड बन रहे हैं गरीब आदमी के, आज 5 लाख रुपए तक का इलाज हमारी सरकार ने फ्री कर दिया गरीब आदमी के लिए, आज हमारे बच्चों को जो विशेष तौर पे लड़कियों को शिक्षा मुफ्त दी जा रही है, तो ऐसे ऐसे काम, 3,000 रुपया मासिक पेंशन मिल रही है, ऐसे ऐसे काम जो भारतीय जनता पार्टी ने गरीब को ऊँचा उठाने के लिए, आज राशन फ्री दे रहे हैं, आज किसी को किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे बिला का राशन कार्ड बनता है, ऐसे ऐसे काम भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं जिनकी परहेज़ जिनकी प्रेज जनता कर रही है, प्रशंसा कर रही है जनता, और उसी कामों के बलबूते पे, उसी विकास के बलबूते पे आज पूरे हरियाणा की जनता ने ये मन बना लिया है कि एक बार फिर हमने तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है और नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। छाबड़ा चौक से मैं आपके साथ साथ चला, आप बिल्कुल बाजार की गलियों में, आप जो लोग हैं अपने अपनी दुकानों से बाहर निकल के आपका जो अभिवादन कर रहे थे, मैं लोगों से बात करता, उन्होंने कहा कि ये जो सड़क है, मैंने कहा कि विधायक की खास बात क्या है, उन्होंने कहा इस सड़क की जो निर्माण की जो नींव जो रखी थी वो विधायक ने रखी थी, किसी ने उसकी एक कहें कि कोई सार ली ही नहीं थी, वो विधायक ने किया था ये सड़क। देखिए केवल एक मेन बाजार की सदर बाजार की सड़क नहीं,
आप शहर की कोई मेन रोड उठा लीजिए, जीन चुंगी से चलिए जीन चौक तक, विश्वकर्मा चौक तक आ जाइए, आप चोटा से चलिए दिल्ली गेट होते हुए विश्वकर्मा चौक तक आ जाइए, आप अंबेडकर चौक से चलिए बड़सी गेट लाल सड़क होते हुए डड्डल पार्क तक पहुंच जाइए, मतलब आप किसी सड़क पे चले जाएं। हमने देखिए हिसार से जब हम हांसी एंटर करते हैं क्या हालत थी उस सड़क की, नई सड़क बनाई, उसको फोर लेन बनाया, सारी लाइटनिंग करवाई, चौक बनाए, चौराहे बनाए, गीता चौक बनाया, उसके बाद अशोक स्तंभ चौक बनाया, उसके बाद कचहरी चौक पे हमने फुहारा चौक बनाया, इधर वो चौक बन रहा है जीन चुंगी पे, जेसीआई का चौक बन रहा है, इसी तरह से तोरण द्वार का निर्माण हुआ, मतलब एक से एक सुंदर कार्य हांसी शहर में हुए हैं। और जो लोग आज से 5 साल पहले हांसी आए थे और 5 साल तक उनका हांसी में चक्कर नहीं लगा, वो आके ये मानते हैं कि हांसी का रूप, हांसी का रंग बदल गया, हांसी एक अच्छा शहर लगने लग गया। ये सब भारतीय जनता पार्टी की देन है जी। तो मुकेश जी, निश्चित तौर पे जब विकास भी हो, कानून व्यवस्था भी सुदृढ़ हो, व्यापारी अच्छी तरह से व्यापार कर रहा हो, आपकी प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ रही हो, आपको किसी किस्म की कोई चिंता ना हो, तो फिर और लोग क्या चाहते हैं? लोग तो यही चाहते हैं ना कि हम बिल्कुल सुखी जीवन जिएं, हमारे काम में कोई बाधा ना हो, आज कोई इंस्पेक्टरी राज नहीं है, किसी दुकान पे कोई इंस्पेक्टर नहीं जाता, ये सारी बातों को मद्देनज़र रखे दुनिया सारी जनता ने एक मन बनाया है कि हम तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। 5 साल पहले का आपने जिक्र किया, पिछले जो चुनाव थे जो 2019 की, राहुल मकड़ उस टाइम आपके बिल्कुल सामने खड़े थे, जेजेपी से उन्होंने चुनाव लड़ा था, इस बार कांग्रेस ने उनको जो है अपना उम्मीदवार बनाया, क्या लगता है विनोद भेड़ा इतिहास दोहरा पाएंगे? देखिए मुकेश जी, ये तो सब हांसी की जनता के हाथ की बात है और भगवान की कृपा की बात है। हांसी की जनता चाहेगी कि हम रिपीट करें, निश्चित तौर पर भगवान की कृपा से हम रिपीट करेंगे। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह से हमने राजनीति को राज का मार्ग ना चुन करके हमने एक सेवा का मार्ग चुना है जी। मुकेश जी, मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि रात के 12 बजे भी अगर किसी ने मेरा दरवाज़ा खटखटाया है तो रात के 12 बजे मैं खुद उठ के बाहर आया हूँ, उसकी समस्या सुनी है मैंने और मेरे से जितना भी हो पड़ा उसकी समस्या का समाधान किया है। रात के 2 बजे भी अगर किसी ने मेरे को रिंग किया, घंटी की है, तो मैंने उसी घंटी का जवाब दिया है। तो मैं कह रहा हूँ कि मैंने राज को राज के रूप में नहीं लिया, राज को राजनीति के रूप में नहीं लिया, मैंने राजनीति को सेवा के रूप में लिया है और आज जनता इस बात को स्वीकार कर रही है और मुझे फख्र है इस बात का, उसी बलबूते पर जनता अपना आशीर्वाद दे रही है। 44 में से 6 लोग जो हैं वो बागी हो चुके हैं, उन्होंने निर्दलीय अपना फार्म भर दिया है। विनोद भेड़ा, कहीं ये डर लग रहा है कि जो उनका जो वोट बैंक है कहीं उसमें सेंध ना लग जाए? देखिए, मुझे तो किसी का डर नहीं लग रहा, मुझे तो ये पता है कि किसी न किसी ने मुकाबले में आना ही था जी। कोई आ जाए, जब हांसी की जनता का फैसला भारतीय जनता पार्टी के हक में होगा तो कोई खड़ा रहे चाहे, हमें क्या डर है जी। देखिए, मुझे पता है कि हांसी हलके की जनता ने मन बना रखा है कि हम भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जिताएंगे, तो उसमें कोई खड़ा रहे सामने हमने कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग बताते रहते हैं कि इस बार जो है विनोद भेड़ा की जीत का मार्जिन ये रहेगा ये रहेगा, विनोद भेड़ा कितना लेके चल रहे हैं कि जीत का मार्जिन कितना हो सकता है? ये हांसी की जनता बताएगी जी, हांसी हलके की जनता बताएगी। मगर जिस तरह से जन सैलाब उमड़ के आ रहा है समर्थन देने के लिए, मुझे लगता है कि पिछली बार हम 22,500 वोट से जीते थे, अब की बार कहीं उससे ज़्यादा जीतेंगे जी। तो कुछ कहना चाहेंगे पूरे हलके की जनता के लिए? हलके की जनता से यही अपील करना चाहता हूँ कि आपका ये सेवक आपके बीच में भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ रहा है, अपना समर्थन जिस तरह से आपने हमेशा समर्थन दिया है, इस बार भी आप यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को समर्थन दे करके कामयाब करें। निश्चित तौर पे आपने पहले भी सेवा का मौका दिया है, आगे फिर आपकी सेवा करेंगे जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा विनोद भेड़ा जी ने कहा कि जो जनता अगर चाहेगी तो उनको इस हलके की सेवा का मौका मिलेगा, तो विनोद भेड़ा थे, लगातार जो जनसंपर्क अभियान चल रहे हैं, कल भी जो कोशिश करेंगे कि इनके किसी अभियान को हम कवर कर पाएँ। आप क्या मानते, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। कैमरामैन साहिल के साथ मेरा नाम मुकेश माही, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।